यार जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। मॉनसून सीजन में रघु के घर और ऑफिस में आए दिन कोई ना कोई पार्सल आ रहा है। रघु छूट और सेल का जमकर मजा ले रहे हैं और खूब शॉपिंग कर रहे हैं। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले देवेश ने उनसे पूछ लिया, क्या रघु भाई, खूब शॉपिंग हो रही है आजकल? आए दिन तुम्हारे यहाँ डिलीवरी बॉय आते जाते रहते हैं। कई बार तो मेरे घर की घंटी बजाकर पूछ लिया कि भाई तुम यहाँ रहते हो क्या, लगता है जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है गुरु। अरे भाई, इंक्रीमेंट तो ठीक ठाक ही हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, दबा कर खर्च करते हैं। अब देखा जाएगा अगले महीने जब बिल चुकाना होगा। देवेश ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, भारी गलती कर रहे हो क्रेडिट कार्ड पर इतनी शॉपिंग करके, कहीं एक बार बिल चुकाना भूले तो फायदे की जगह नुकसान खा बैठोगे। देवेश ने उन्हें बताया कि देश में कर्ज लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अभी सुबह ही वो अखबार पढ़ रहे थे जिसमें RBI की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में बीते वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड के कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA में 30.46% की बढ़ोतरी हुई है। जहां वित्त वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 3,122 करोड़ रुपए था, वहीं बीते वित्त वर्ष में यह आंकड़ा बढ़कर 4,073 करोड़ रुपए हो गया। RBI बैंकिंग सिस्टम में बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन को लेकर बैंकों के सामने चिंता जता चुका है। क्रेडिट कार्ड का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग जमकर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की वजह से बैंकिंग सिस्टम में अनसिक्योर्ड लोन का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये सुनकर रघु का सिर चकरा गया। उन्हें लगा कि ऐसा खतरा है तो बैंक ये खतरा मोल ले ही क्यों रहे हैं जब उन्हें इसमें घाटा हो सकता है। तो दरअसल इसके पीछे की सीधी वजह है, बैंक ऐसे अनसिक्योर्ड लोन बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे मिल जाते हैं। अमूमन ये छोटे होते हैं, उनको खुद ही बढ़ावा देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज का फायदा मिलता है। कोई लोन डिफॉल्ट हो जाए तो उन्हें मोटा ब्याज मिलता है, प्रोसेसिंग फीस अलग से लगती है कैश निकालने पर भी और EMI बनवाने पर भी, जिसका सीधा फायदा बैंकों को होता है। इसके अलावा बैंक कार्ड के लिए अगर किसी कंपनी या किसी कार्ड ऑपरेटर से टाई अप करते हैं तो उसके प्रमोशन का भी उन्हें फायदा होता है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक लोगों का क्रेडिट कार्ड का कुल 1,94,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया था। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के अंत में यह आंकड़ा 1,48,000 करोड़ रुपए का था, यानी क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल में 31% की बढ़ोतरी देखी गई। इसी तरह क्रेडिट कार्ड की संख्या भी 7,52,00,000 से बढ़कर 8,53,00,000 हो गई है। मई 2023 के अंत में देश में क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या 8,77,00,000 थी। रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में क्रेडिट कार्ड के कारोबार को लेकर भी चिंता जताई। केंद्रीय बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े सरकारी बैंकों का कुल NPA 18% था, जबकि निजी बैंकों के मामले में ये 1.9% था। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि आजकल युवा वर्ग क्रेडिट कार्ड से क्षमता से अधिक खर्च कर रहा है, यहां तक कि क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश की निकासी भी की जा रही है जिस पर शुल्क के अलावा भारी ब्याज लगता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार भुगतान से चूक जाए तो फिर उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है इसका क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल। सोलंकी कहते हैं कि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे आने वाले दिनों में इसके कर्ज के डिफॉल्ट में और तेज बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब जो अमाउंट नहीं चुकाया जाता बैंक उसे NPA में डाल देते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट तब NPA बन जाता है जब कोई यूजर न्यूनतम बकाया राशि देय तिथि के 90 दिनों के भीतर नहीं चुकाता है। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे उनका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, इस वजह से उसे बाद में लोन लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। डिफॉल्ट करना जेब पर भी भारी पड़ सकता है क्योंकि डिफॉल्ट करने पर बैंक बकाया राशि पर 38-42% तक का ब्याज लगाते हैं। लेकिन मसला यह है कि अगर ऐसे ही बैंकों का NPA बढ़ता रहा तो यह ना तो बैंकों की माली हालत के लिए अच्छा है और ना ही देश की इकोनॉमी के लिए। अब रघु पूरी बात समझ गए और उन्होंने देवेश से कहा कि यार, अच्छा हुआ तुमने ये सब बताया, अब से वो अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे। सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है, आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी जानकारियों के लिए डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।